नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है एपिक ब्लॉग राइडर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक ह्यूमन और जानवर में कितना डिफरेंस होता है। हम ह्यूमन दिन पर दिन डेवलप होते जा रहे हैं और एडवांस होते जा रहे हैं, लेकिन इस एडवांसनेस के पीछे हमारी एक बहुत बड़ी कमी है जो कि है सेल्फिशनेस। सेल्फिश आदमी बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये सेल्फिशनेस हमारी खून के रिश्ते को भी बिगाड़ रहा है। जैसे हम कभी देखे कोई रोड पर एक्सीडेंट हुआ होता है, हम उसकी मदद नहीं करते ताकि पुलिस हमसे कोई पूछताछ न कर ले। हमसे बहुत बेहतर दोस्तों जानवर होते हैं, वो चाहे किसी भी किस्म का जानवर हो। जानवर हमसे बहुत कम सोचते हैं, हमसे बहुत कम एडवांस होते हैं, लेकिन उनमें इंसानियत बहुत बहुत ज़्यादा, हम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा इंसानियत होती है। एक डॉग अपने मालिक का इतना वफादार होता है कि वो पूरी लाइफ अपने मालिक के नाम कर देता है। बचपन से लेके अपनी अंतिम सांस तक वो अपने मालिक का साथ नहीं छोड़ता। इसी के साथ मैं आपको अपनी पहली स्टोरी बताने वाला हूँ, जिसके अंदर ये स्टोरी है हमारी न्यूयॉर्क की। न्यूयॉर्क में एक फार्म था, फार्म के अंदर कुछ जानवर रहते थे और सबसे मेन जो हमारे इस स्टोरी के जो जानवर है वो है एक डक और एक फीमेल कैट। डक ने कुछ दिनों पहले अपने कुछ चूजों को जन्म दिया होता है और वहीं पर भी वो बिल्ली भी अपने कुछ बच्चों को जन्म देने वाली होती है। लेकिन आप सोच सकते हो दोस्तों, एक डक और बिल्ली में कैसा रिश्ता होता होगा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा लड़ाई वाला। लेकिन ये स्टोरी बिल्कुल उल्टी है आपके सोच से। इस स्टोरी के अंदर डक अपने चूजों को जन्म देते ही मर जाती है किसी बीमारी के कारण। जब उसके चूजों को पता चलता है तो वो उन्हें यह पता चलता है कि वो अनाथ हो गए हैं, तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। और कुछ दिनों बाद बिल्ली ने अपने कुछ छोटे छोटे बच्चों को जन्म दिया होता है। यह बिल्ली उन बच्चों को अपने साथ रख लेती है, यानी कि उन चूजों को भी। यह बिल्ली उन चूजों को अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करती है दोस्तों। यह आप सोच के बिल्कुल चौंक जाओगे कि उन बच्चों को पूरी ज़िंदगी खाती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं टच करती। अब इसी के साथ हमारी दूसरी स्टोरी दोस्तों, ये स्टोरी दो कैट्स की है, जिसमें से एक कैट जो आपको ब्लैक वाली दिख रही है इस पिक के अंदर, उस कैट की जो डेथ होती है वो जो कैंसर से हो जाती है। तो उसके जो दूसरे वाली उसकी फ्रेंड होती है, वो उसको जो उसकी लास्ट सांस जिस जगह पर चली थी उस जगह पर देखकर बहुत रोती है। और ये दोस्तों, ये कैट उस कैट को जगाने की कोशिश करती है और वो बहुत रोती है, बिल्कुल हम इंसानों की तरह रोती है वो। और उसके बाद अगर देखा जाए, जब वो कैट ले जा चुके होते हैं वहाँ से उसका मालिक, वो कैट जो दूसरी थी अपने मालिक का बिल्कुल साथ नहीं छोड़ती। इसी के साथ हमारी तीसरी स्टोरी दोस्तों, ये स्टोरी दो डॉग्स की है, जिसमें से एक की डेथ हो जाती है रोड एक्सीडेंट में। उस रोड एक्सीडेंट में डेथ होने के बाद उसके दूसरा दोस्त अपने दोस्त को कुछ नहीं कर पाता, बस वो उसे हेल्प करता है उसकी बॉडी को। पूरे दो दिन लगते हैं उसको दोस्तों अपने दोस्त की बॉडी को मिट्टी से ढकने के। ये हमारी सोच से बिल्कुल ही परे है दोस्तों। अगर हम इंसान अगर हमें ऐसे कोई दृश्य देखते हैं, हम घिन आकर साइड में हो जाते हैं। ये हमारे दोस्तों बिल्कुल टॉप की स्टोरी है जो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ। ये स्टोरी दो डॉग्स की है जो कि बर्फ के मैदान में खेल रहे होते हैं और किसी कारण से पहले वाले डॉग के सर में चोट आ जाती है। दोस्तों ये आप सोच नहीं सकते, दो चोट आने के बाद वह पैरालाइज हो जाता है और दूसरा दोस्त उसके साथ ही बैठा रहता है। और दुर्घटना की बात यह है दोस्तों कि वो डॉग अपने एक रेलवे ट्रैक पर बैठा होता है। जब सामने से रेल आ रही होती है तब भी वो दोनों डॉग नहीं हटते और पूरी की पूरी रेल उनके ऊपर से गुजर जाती है दोस्तों। और लेकिन खुशकिस्मत की बात यह है कि रेल पूरी गुजरने के बाद भी दोनों के दोनों डॉग बिल्कुल सही सलामत जिंदा बच जाते हैं। और कुछ दिनों बाद उन्हें डॉग्स हॉस्पिटल ले जाया जाता है दोस्तों और वो बच जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो और सब्सक्राइब माय चैनल प्लीज़ फॉर, ताकि मैं आपको अपने नए नए वीडियो